वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक टीम को अच्छी तरह लीड कर सकते हैं, एक अच्छी स्क्वाड को लीड कर सकते हैं एज अ परफेक्ट लीडर। इसका पार्ट वन बन चुका है, पहले यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लेना। और ये इस वाली वीडियो को वो वाली वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तमाम नाज़रीन सामने को सलाम। तो कैसे हैं सब लोग, मेरे सारे ठीक होंगे। इस वीडियो में भी 5 पॉइंट्स मैंने प्रेजेंट करने हैं कि हाउ टू बी अ गुड लीडर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहला जो इस वाली वीडियो का पॉइंट है वो होना चाहिए नेवर बी ऑन द फ्रंट। अब एज अ लीडर आपको कुछ सिचुएशन में ऑन द फ्रंट रहना पड़ता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको एज अ लीडर होल्ड करना पड़ता है। आपकी टीम के जो मेजर पायनियर्स मैं कह सकता हूँ वो होंगे आपके असॉल्टर। आप लीडर तो आप हो असॉल्टर, स्नाइपर और सपोर्टर। जो असॉल्टर का काम होता है वो हमेशा फ्रंट पे जाता है, तो आपने कभी भी खुद को फ्रंट पे नहीं रखना। क्यों फ्रंट पे नहीं रखना? ये इसलिए नहीं कि आपने अपनी जो आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, और आप एक तरह से पूरी टीम को खड़े किए हुए हैं। और अगर आप ही फ्रंट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली जो फ्रंट पे जाता है उसके जल्दी किल होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो अगर लीडर ही स्टार्टिंग में मर जाएगा तो बाकी टीम तो पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो लीडर हो कभी भी फ्रंट पे ना जाए, अपने सपोर्टर या असॉल्टर को हमेशा फ्रंट पे रखे, तभी वो पूरे टीम पूरी गेम सर्वाइव कर पाएगा। और वो सर्वाइव करेगा तो टीम भी अच्छी तरह लेके चल पाएगा और टीम भी सर्वाइव अच्छा करेगी। इसी के साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इस वीडियो के, जो कि है एप्रिसिएशन। ये छोटी सी बात है लेकिन ये जो आपके टीममेट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। क्यों? एज अ लीडर आप अगर किसी को किसी के अच्छे रोल निभाने पर या किसी अच्छी स्किल या किसी अच्छे गेम प्ले की वजह से किसी को अप्रिशिएट कर देंगे तो यार वो बहुत अच्छी बात होगी। आप भी हम्बल रहेंगे और उसके साथ साथ आपका जो टीममेट होंगे वो भी, उनका भी मोटिवेशन बढ़ेगी, उनकी भी हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी टीम साथ चलेगी। और इससे बेहतर कुछ भी नहीं। जिससे जो मैं लाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे वो है कि टीम में यूनिटी रखनी है। यूनिटी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी टीम में तब तक कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यूनिटी हमेशा जो है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सुना होगा आपने, और यही चीज़ है इस छोटे से पॉइंट के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेकिंग द डिसीजंस वाइजली। ठीक है, ये मैं पार्ट वन भी बोलता रहा हूँ बहुत दफ़ा, पार्ट टू में भी दोबारा से इसको रिपीट करूँगा मैं, कि देखो आपने हमेशा हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ के प्लानिंग करके टीम से मशवरा लेके, क्योंकि इस पॉइंट के साथ मैं एक और चीज़ जुड़ूँ वो है टीममेट से एडवाइस लेना, सजेशंस लेना, क्योंकि ताकि वो भी अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करें, इंपॉर्टेंट फील करने के साथ साथ आपको वो अच्छे फीडबैक्स भी दे सकें और आपको अच्छे से सजेशंस और एडवाइस दे सकें, जिसकी वजह से आप उन सबको कैरी करके एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ और किस सिचुएशन में क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप कहीं रश करने जा रहे हैं या आप किसी ड्रॉप पे रश करने जा रहे हैं, लास्ट सर्कल की सिचुएशन है या कुछ ऐसा सीन है, तो अगर आप अपने टीममेट से पूछ लें शायद उनमें से कोई अच्छा सजेशन दे दें और उस सिचुएशन को आप अच्छी तरह एक प्लान के साथ लेके चल के आप चिकन डिनर निकाल लें। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है अगर आप इसको यूज़ करते हैं गेम प्ले के अंदर। जो आखिरी पॉइंट है हमारी वीडियो का वो होगा नन अदर देन प्रूव योर सेल्फ एज अ लीडर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने आप को लीडर प्रूव करना पड़ेगा। और इस सब के लिए ये कंक्लूजन टाइप है इस वीडियो का, क्योंकि देखो मैंने अपना पार्ट वन बनाया, उसमें आपको 5 पॉइंट बताए, काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट्स थे, वीडियो देख लो अगर नहीं देखी अभी भी। और इस वाली वीडियो में भी पिछले 4 पॉइंट्स बताए, उन सारों को कंपाइल अप करके जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको टोटल बता दिए हैं, तो उनको जब आप सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आओगे, सारी क्वालिटीज़ पे अमल करोगे, सारे जो पॉइंट्स उन पर अमल करोगे, पूरी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे या तकरीबन कम से कम रीच करने की कोशिश करोगे, तो आप अपने आप को एज अ लीडर प्रूव कर सकते हो। क्या मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस गेम प्ले होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस भी हो गेम प्ले भी हो, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्किल्स हो, स्किल्स को एनालाइज करना आना हो, आपको पता हो कि कौन से बंदे के लिए कौन सा काम सही रहेगा टीम में, डिसीजंस आपने वाइसली कैसे लेने हैं, कैसे मशवरे लेने हैं, कैसे सजेशंस लेने हैं, कैसे एडवाइस लेने हैं, कैसे पूरी टीम को इन रखना है पूरी गेम में, एग्रेशन से बचना है, एग्रेसिव डिसीजंस ऑब्वियसली कभी कभी चाहिए होती हैं, बट बी कैप्टन कूल और उसके साथ अपने टीम को अच्छी तरह लीड करो। उसके बाद जो एक और पॉइंट, नेवर बी ऑन द फ्रंट, और मैंने वो आपको पॉइंट समझाया है, और एप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, वो टीम को अप करने के लिए, टीम को मोटिवेशन अप करने के लिए काफ़ी हैवी पॉइंट है, तो वो उस पर भी अमल करो। सारे पॉइंट्स पर अमल करोगे अच्छी लीडर बन जाओगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मेरा इस वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हेयर। शायरी में दर्द बने घर के अमर्द बने बाप, मेरा बोला बेटा रातों को ना जाग, तू पूरे किए ख्वाब सोचू डरे मुझसे ख्वाब क्यों, सारी सारी रात रहता है तू घर से।